आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें मीडिया का बिल्कुल लाभ भी चले सेकेंडरी मीडिया मीडिया आपने तो बोला हजारों डांस शोज किया है ना, वॉक आपने बहुत सारे आज पहली बार आप देखें मैम वाइट कर लेते हैं जनता बैठ बोल सकता ओके सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने आज तक मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ को रैंप पर वॉक करते हुए देखा, ये पहली बार मैं जर्नलिस्ट को देखूंगी और कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट रहेंगे जिन्होंने मुझे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे रहेंगे शायद, सो बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो एक्चुअली. मैं आज सुबह ही लैंड जी सुबह ही आई हूँ मैं आज. रेस की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है, एक पैच था जो हमको शूट करना था बैंकॉक में वो हमने शूट किया, अभी सलमान और जैकलीन का जो पोर्शन है वो लोग शूट कर रहे हैं. या द शूट इज़ गोइंग प्रीटी वेल. और आज के अटायर के बारे में जानना चाहेंगे अगर आप? मैंने शेरी डी करके लेबल है उनका ड्रेस पहना हुआ है, उनका नाम है शरीना. तो या आई मीन इट्स अ वेरी प्रिंसेसी आउटफिट आई गेस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी ओवर ड्रेस्ड हूँ यहाँ पे बिकॉज जितने भी मैंने देखे वो सारे कैजुअल्स में हैं. सो ओके रेस 3 एंड पने खान दो ऐसी फिल्में हैं जो साथ में बॉक्स ऑफिस पर आ रही है. कौन सी? पने खान. हाँ जी. एंड रेस 3 जी, दो ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर साथ में. आप मानते हैं कि टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है हमारी? देखिए हमारे साथ अनिल कपूर है हमारी फिल्म में, फन्ने खान में भी अनिल कपूर है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन आई गेस. हम चाहते हैं कि फन्ने खान भी अच्छी करे, रेस भी अच्छी करे. थैंक यू. Ladies and gentlemen, and Varsha, the people behind the event today. Glamorama Media Calendar launch, ladies and gentlemen. Daisy Shah, the showstopper, along with Jasmeen and Varsha, people behind this evening from Cineasta. Well, can I request you, Varsha and Jasmeen, to stay there with the Daisy so that we can launch the calendar. Right behind you, Jasmeen, on that side, on your left. And requesting all the journalists and everybody, who are today's part of this calendar, we request you all to also be a part of this. Ladies and gentlemen, we have Daisy Shah launching the calendar. Can I also call upon our friends from Kolkata, Babu Mushai team, Abhishek Malik, Latika Gill, Hiten Tejwani, Arshi Khan, Utkarsh Gupta, Vinod Singh, Vishak Radua, Karan Chabra,
and Abhay Dadani to please come on the stage and join the calendar launch right now. Well done, everybody. That's a successful calendar launch. एक-एक कॉपी घर लेके जाना. अभी फरवरी का ही महीना लगा है. 10 महीने और बचे, साल खत्म हो गए. बेचारा जनवरी में कौन छपा होगा? उसकी तो सूरज देखने को नहीं मिलेगी. Bad luck. All right, we have our final set of journalists and celebrities that will be doing the walk. I request the rest of you to kindly be seated and enjoy the evening. बड़ा अच्छा लगता है glamorous अवतार में हमारे celebrities को देखने में. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. We have our last round of good-looking journalists walking the ramp. Harvishta कहाँ गई? कहाँ गई Harvishta? अनोखा इवेंट है, पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ इवेंट जिसमें सेलिब्रिटीज की जगह मीडिया हिट्स एक कैलेंडर में है और आज कैलेंडर लॉन्च हुआ है. सो इस आइडिया के बारे में आपको ये आइडिया मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा जैसे मुझे पता चला कि यू नो ऑल द मीडिया हेड्स आर कमिंग एक्चुअली एंड दे विल बी वॉकिंग द रन. सो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट्स वन डिफरेंट शेड ऑल टुगेदर बिकॉज मैंने सोचा चलो ठीक है हमेशा ये लोग हमें जज करते हैं. आज मैं थोड़ा सा मीडिया वालों को जज कर रहा था लाइक हाउ दे वॉक एंड ऑन. सो जस्ट फॉर फन बट आई थिंक इट्स अमेजिंग. इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लिटिल डिफरेंट ऑफ वॉट यू नो वी डू इन द यूजुअल लाइफ. So that's one interesting concept and idea, I guess. So that's okay. So जितने भी media वाले होते हैं, usually stars होते हैं, celebs होते हैं, वही बनाते हैं basically. Yeah. जितने सवाल होते हैं. Yeah. सवालों के घेरे में आपको वो फंसाते हैं. आज पहली बार उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है. वो एक celebrity के लिए कर रहे हैं कि क्या-क्या मुश्किलें होती हैं celebrity के लिए. आई थिंक एक दिन में तो पता नहीं चलता है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या क्या मुश्किल होती हैं कितनी मुश्किल चीज़ों से हमें जाना पड़ता है बेसिकली. बट आई थिंक इट्स ऑब्वियसली बेटर एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव एंड टू कम इनसाइड आवर शूज ऑल्सो एंड वी बी सिटिंग ओवर देयर ऑन दैट साइड. काश हमें न्यूज़ बनाने को मिलती तो थोड़े से मज़े आ जाते आज पर वो हमें मिला नहीं. बट एनी वे बट आई एम सो श्योर इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर देम एक्चुअली एंड इट वॉज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी दैट साइड ऑफ द thing also and yes I just the media heads I did that and jinka ye pura concept hai idea hai Varsha Sharma Jasveer Singh so ye pura idea unka socha hoga jinka ye bare mein is idea ke bare mein aap I just want to say that Varsha and Jasmeet that it's amazing that I loved it. It's very creative and it's very new that you know you're getting the all the media heads on the ramp and it's fun. I think theek hai hame karte rehna chahiye fun. So it's something what they've not experienced it at all and it's they've got to experience it now. So I think that's one of the platforms you've got them to and I'm so sure they must have got a lot of fun doing this. So yeah, that's all.
मैं प्रिया वॉरियर, प्रिया वॉरियर इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया डेफिनेटली, शी इज वन आई थिंक टैलेंटेड गर्ल एंड आई हैव सीन, मैंने खुद वो देखा है, उनका जो सीन देखा है एंड आई फील दैट दैट्स अ ब्यूटीफुल सीन बिकॉज देयर इज अ रीजन, वो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही ट्रेंड कर रही है. The way she has done it, I personally liked it. So, you know, it's I've also like seen it a lot of times, Priya Prakash, and I think that's beautiful. She's a beautiful girl. I wish the all the very best for her. We don't know each other at all. I have no idea. I had no idea who was she till the time she was trending on social medias. But looking at her, I think she has great potential because the entire industry has been supportive through her. To her, and there's a support from my side also. Maybe it's just a small support, but definitely it's a great support. And I wish all the very best to her. So yeah, thank you so much. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग जो कैमरा के पीछे होते हैं हमेशा, वो आज कैमरे के सामने आ रहे हैं. हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आप उनको देख पाएंगे बहुत अच्छे लुक में, फुली तैयार होके. और मैं तो एक जीतता जागता उदाहरण हूँ बिहाइंड द कैमरा का, जो कि ऑन द कैमरा आके हैज़ बीन डूइंग द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी माई फेलो कलीग्स हु आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टुडे और वॉक कर रहे हैं रैंप पे और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख के. और वो जो इतना चिढ़ाते थे ना कि वो मेकअप थोप कर और चीज़ें करके कितना टाइम लगा, अब सबके सब इतना टाइम लगा रहे हैं सजने संवरने में कि आई थिंक इट्स की कैस. आपको देखना चाहिए उन लोगों को. Absolutely. I have just stepped into my actor shoes. Wow. So till for 11 years, मैं पीछे कैमरे के पीछे था, आज कैमरे के आगे आ रखा हूँ. उसी तरह से बाकी लोग भी वही कर रहे हैं. आई एम होपिंग इनमें से एक रिपोर्टर को बिग बॉस में डालना चाहिए. बोल जो भी बेस्ट लग रहा हो ना और जिसका एटीट्यूड सुपर्ब हो उसको डालना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा. So, आपके हिसाब से इसमें जितने भी मीडिया वाले आए उनमें से कौन फिट होता है बिग बॉस? देखिए यार, एक को मैं पिन पॉइंट करूंगा नहीं क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे क्यों यार हमें क्या प्रॉब्लम है, या किसी को पिन पॉइंट करके मैं क्यों जाऊं बिग बॉस. सो आई थिंक वो बिग बॉस वालों को डिसाइड करने दो कि किसको जाना चाहिए, बट आई थिंक इट्स सुपर फन यार. सो इन सबको रैंप पे चलते हुए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करते हैं. और इट्स वेरी नाइस कि यार मेरा तो फिलोसफी है लाइफ की, जब भी आप थोड़े से डाउन हो कपड़े अच्छे पहनो, फुल फ्लेजिडली गुड दिखो, अच्छा खाना खाओ और जिसको प्यार करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बेस्ट कोई चीज़ होती नहीं है. सो सजना संवरना तो बहुत बहुत सुपर होता है, बहुत फैंटास्टिक होता है. ओके, जिसका ये कॉन्सेप्ट है जसवीर सिंह और वर्षा शर्मा, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा जसवीर और वर्षा, आई थिंक यू हैव कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया एंड आई होप दैट नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स इवन बिगर एंड लॉट मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन इट एंड लॉट मोर एक्साइटिंग थिंग्स हैपन. हर बार पहले इवेंट में कुछ ना ऊपर नीचे होता रहता है. आई होप सेकेंड इवेंट आपका और सुपर सक्सेसफुल जाए एंड ऑल माई विशेस. आप अपने लुक के बारे में? मेरा लुक तो यार मेरी जो स्टाइलिस्ट हैं वो थोड़ा सा मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए थी कि सस्पेंडर्स लुक करते हैं और आप सूट्स बहुत पहन रहे हो, तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सस्पेंडर्स लुक करूँ विद अ लिटिल जोधपुरी जूतीज अलॉन्ग विद इट एंड अ बो. सो आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग क्योंकि मेरे को इतनी आदत नहीं है ना, तो अब मेरी एक टीम है जो कि मुझे ऐसे कपड़े वपड़े पहनाती अच्छे और डिसाइड करती आप ये लुक करोगे आप ये लुक करोगे. तो आई थिंक इट्स फन, इट्स ऑलवेज नाइसर लाइक आई सेड अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना और कुछ नया करना एज आर्टिस्ट. और आर्टिस्ट केवल एक्टर्स नहीं होते, रिपोर्टर्स भी आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स भी आर्टिस्ट होते हैं. हर किसी को अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा आगे पीछे जाना चाहिए और बहुत मज़ा आता है. एंड ऑफकोर्स अब तक आप कैमरे के पीछे थे, अब कैमरे के आगे तो लुक्स का आपको बड़े बहुत ध्यान देना पड़ता है यार. आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है, आप भी एंकर कर रहे होते हो तो आपको देखना पड़ता है लिपस्टिक ऑन पॉइंट है या नहीं है, सूट ऑन पॉइंट है या नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा विकास, आजकल प्रिया वॉरियर बहुत ट्रेंड कर रही है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रिया वॉरियर बहुत ट्रेंड कर रही हैं, दैट इज ट्रू, पर वो ट्रेंड कर रही हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. तो ऋषि अंकल ने भी बोला है कि काश आप पहले ट्रेंड कर रही होती. तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नाइस टू सी समवन who is so young and so talented and Priya is getting such a good opportunities now apparently. Usko maine unko maine ek video dekha jahan wo gana ga rahi hain, kitna kamal ka gana gaati hain wo. So I think there's so much, so many qualities in each and every artist of us and I'm so glad that Priya is getting a chance to showcase so much more. But I think the boy
who was in the video was equally so good. पर ये कहते ना हमारे यहाँ लड़कियों पर बहुत ध्यान देते हैं, बेचारा वो साइड लाइन में हो गया लेकिन उसने भी बहुत अच्छा काम किया. आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड सीइंग हाउ दिस फिल्म विल टर्न आउट टू बी. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. इन्होंने सवाल पूछ लिया ऑलरेडी. अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने रैम्प वॉक किया और मैंने संयुक्ता के साथ वॉक किया रैम्प. इट वॉज रियली ग्रेट, यू नो, मतलब हम मिलते रहते बट ये एक वन ऑन वन कनेक्ट लगता है विच इज़ अ गुड थिंग. जो परसेप्शन होती है कभी कभी के बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ हम खाली फ़ोन पे बात करते हैं, हमें पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिलता. आज मैं मिली और परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है. कभी कभी ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट खाली यू नो स्क्रूटिनाइज करना जानते हैं, पर ऐसा नहीं है. बहुत प्यारे हैं वो इन पर्सन. जी आज ही मैं सुबह लैंड की हूँ बॉम्बे में, बैंकॉक से. हमारी शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी. आई थिंक वी आर डन विद 30% ऑफ द फिल्म आई गेस, बट देयर इज मोर टू कम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. हमारा नेक्स्ट शेड्यूल अबू धाबी में होने वाला है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट देयर. कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप हैं सलमान खान हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत सारे लोग हैं. ये एक सवाल ना बहुत डरावना होता है. नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि सलमान को मैं बहुत पहले से जानती हूँ. ये फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली जो जिन्हें जानने का मौका मिल रहा है वो है बॉबी और साकिब. जैकी को मैं, जैकलीन को मैं बहुत पहले से भी जानती हूँ, तो उनके साथ एक मेरा केमिस्ट्री ऑलरेडी है. पर बॉबी और साकिब को मैं फर्स्ट टाइम मिली एंड दे आर एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट्स एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू वॉच इट. एक्चुअली मैंने जो आउटफिट पहना है वो शेरी डी का है एंड इट्स अ नाइस प्रिंसेसी आउटफिट. आई लाइक द पास्टल कलर इन इट एंड या इट मेक्स मी फील प्रीटी. थैंक यू. अबू धाबी जो आपका शेड्यूल नेक्स्ट शेड्यूल होता है उसके लिए कितने एक्साइटेड आप? बिकॉज़ ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल लोकेशंस तो खैर क्योंकि खूबसूरत होती है इसलिए हम अब्रॉड जाते हैं शूटिंग के लिए. पर ये फिल्म में पर्टिकुलरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है एक्शन करने में, क्योंकि ज़्यादा करके एक्ट्रेसेस जो होती है फिल्म्स में उनको घूसे मारने नहीं मिलते, उनको स्टंट्स करने नहीं मिलते. और रेस एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर हम फीमेल्स को भी ये मौका मिलता है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू. माइक नीचे रखो, अगर किसी को सवाल नहीं पूछना तो सब माइक नीचे रखो. ओके अर्शी जी, सबसे पहले तो आपकी शाम क्या कहना चाहेंगे? आप कितनी एक्साइटेड हैं? हमने देखा ढेरों सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रैंप वॉक करते हुए आप हमें नजर आए. आज की शाम रिपोर्टर्स के नाम और आप लोग सारे रिपोर्टर्स हैं. बेसिकली क्या होता था, मॉडल्स के लिए नाइट रखी जाती थी, एक्टर्स के लिए रखी जाती थी और हमको बनाने वाले लोग आप ही हैं. अच्छा भी लिखते हैं और कभी कभी बहुत बुरा भी लिखते हैं आप लोग, लेकिन होना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप ही की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को हमारी न्यूज़ पता चलती है. तो अच्छा है कि आप लोग के लिए कैलेंडर लॉन्च हुआ और सारे रिपोर्टर्स ने हमें इनवाइट किया, हमने उनके साथ रैंप वॉक किया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा. पहली बार शायद ऐसा हुआ है तो मज़ा आया. अर्शी जी, इसके अलावा आपसे जानना चाहिए क्योंकि आप बिग बॉस फेम हैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं, हर किसी ने आपको अच्छे से नेक्स्ट क्या धमाका करने वाली आप? इंशाल्लाह मैं कलर्स, जैसे कि मैंने बोला है कलर्स मेरा मायका है तो मैं कलर्स के साथ काम करूंगी. और बाकी मैंने पहले भी बोला है कि मैं साउथ के अंदर ही स्टार्टिंग करूंगी अपने काम की जो भी रहेगा. और बाकी इवेंट्स तो होते ही रहते हैं और ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरा काम अगर स्टार्ट होगा मूवीज़ का तो सिर्फ साउथ में होगा और कलर्स के अंदर मैं सारे जो भी रियलिटी शोज़ मिलेंगे वो सब करूँगी. किस तरह की हम देखेंगे आरसी जी को, मतलब साउथ, अगर साउथ की फिल्मों की अगर आप बात करें, आपको किस तरह का मैं चाहिए, मैं कैसे अच्छी लगूंगी बताओ? हॉट ग्लैमरस बन जाऊंगी, क्या दिक्कत है? मैं देखिए कलाकार ऐसा होता है जो हर तरीके का रोल करना पसंद करता है, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में चाहूँगी कि मैं हर तरीके के रोल्स करूँ ताकि मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो मैं सब करना पसंद करूँ. अटायर
क्या कुछ है ये? ये डिजाइनर जो है, मेरा मोबाइल फोन उठाना जरा, मेरा सेल फोन देना. एक्चुअली मुझे सब पूछ रहे हैं कि डिजाइनर कौन है, और मुझे जरूरी है उनका नाम लेना, बिकॉज हैरी पॉटर नहीं, ये हैरी पॉटर ड्रेस लग रहा है. ये थोड़ा पीकॉक साइड टाइप का है ना, पीकॉक टाइप. अच्छा है. आप चल रहे हैं क्यों? नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. नहीं, हैरी पॉटर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं पता है, आज आज इसी से सवाल पूछो कि हैरी पॉटर कहाँ से लग रहे हैं, बताओ. हमने तो फन कर दिया ऐसे. अच्छा, ये आउटफिट है बाय तिशाद बाय शिवानी, स्टाइल किया है शैलाश्री कुटोर ने, और असिस्टेंट बाय फॉरम, एंड ज्वेलरी बाय एक्वा मरीन ज्वेलरी. खुश हो जाएगी वो, उसका पूरा बोला है मैंने. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मैंने पूछेगा, सबको मिलेगा, सबका तेरा भी है, अभी आ जाना, साथ में कर लेना फिर एक दो. हाँ, लाइन में करो जी, सबको सबको नाम, सबका नाम आना चाहिए. चलो हाय, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम आकाश ए कैश ददलानी, आपका रॉकस्टार. नमस्ते इंडिया, आई लव यू. मैं लोग के साथ हूँ आज के साथ तुम्हें. I got awesome news. We got TVN. We got Bharo Bollywood. We got Fly News. We have Sanskriti. We have Bollywood Alert. We got Bollywood Killer. And we got Mumbai Raftaar. Do we have? We got MF. NMF. We have ANI. And we got this Bollywood Bubble. What's up, everybody? I love you. Let's go. Love you, sir. आज main चीज है, अगर media नहीं है तो हम नहीं है. तो आज मीडिया का दिन है. मीडिया इज द बेस्ट. इफ नो मीडिया नो ए कैश. मीडिया रॉक्स. आज मीडिया रॉक्स है, यही है आज दिन. आज मीडिया है, वी लव द मीडिया. इज दैट ऑल यू वांटेड? तुमने इतने सारे माइक लेके आए हो और यही बोलने का था मुझे. ओ हाँ, रेडी हो जाओ सब लोग, सुनो और ये सब जगह पोस्ट करना. मेरा गाना भी बैंग बैंग आ रहा है. आई गॉट द गर्ल्स जैसा बत्ता, एक ही फोड़े, मीडिया रॉक्स. ऑलराइट, बस अभी आने वाला, गेट रेडी फॉर इट, इट्स गोना बी कमिंग आउट सून. यू एंजॉय इट, लव और सपोर्ट आप जैसे देते हो प्लीज देते आओ, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. सो आई लव एवरीबॉडी, यू नो इट. ओके, एक ही आश योर रॉक स्टार्स ओवर एंड आउट. थैंक यू बाय, थैंक यू सो मच. यू गॉट इट ब्रो, आई लव यू गाइस. गुड लक, गुड लक, गुड लक, शॉट्स.